Hello everyone, how are you all? Hope all of you are utilizing your stay home period. Welcome to my art class. Today we are going to discuss about the cartoon drawing. आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये तो बच्चों वाली ड्राइंग है कार्टून ड्राइंग, बट बेटा अगर 20 इयर्स बैक हम ये बोलते कि ये कार्टून ड्राइंग है जो बच्चों वाली ड्राइंग है तब तो ठीक है फिर भी चल सकता था, बट नाउअडेज जो ये कार्टून ड्राइंग है ये डिजिटल आर्ट और डिजिटल वर्ल्ड में अपना अलग ही जगह बनाते हैं। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप की इमोजीज भी देखते हैं, ये भी एक तरह का कार्टून है। किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी चीज होती है जो भी है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो कार्टून ड्राइंग आपका एक फुल टाइम करियर भी हो सकता है। सपोज यू आर गोइंग फॉर एनिमेटर एंड एनी डिजिटल आर्ट लाइक दैट। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी ये मिनी, सॉरी नॉट मिनी, दिस इज किटन। आप जो इसमें देखते होंगे क्या बोलते हैं इसको, टॉम एंड जेरी में देखते होंगे। तो ये बस आउटलाइनिंग एंड हाउ टू शेयर इट ये मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके लिए आपको जो मटेरियल्स चाहिए होंगे, सबसे पहले इरेजर, पेंसिल एंड एक वाइट शीट। तो आपको पता है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड पीरियड, सो इफ यू आर नॉट हैविंग दिस मटीरियल सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो एंड कलेक्ट योर मटीरियल्स, पेंसिल इरेजर एंड अ प्लेन वाइट शीट विद अ बोर्ड ड्रॉइंग, एंड आफ्टर सम टाइम अगेन आई विल स्टार्ट द पेंटिंग। दिस इज द फाइनल कार्टून किटन विच वी आर गोइंग टू मेक विद अ पेंसिल इरेजर। Two type of pencil, one is dark and one is HB pencil. For the dark, I am using a simple dark black color pencils. You can use 6B, 8B like dark shade pencils. Most of students, I think you are having. So let's start making this creative and funny kitten. Take one HB pencil and start here from the you can see that in this drawing there is a oval shape inside the drawing in head. You can make this way. You imagine this time. If again and again you will draw, you will learn that how you will draw this type of cartoon. Simply हम करते क्या है, जो cartoon characters है उसमें exaggerate कर देते हैं हम जो भी उसमें, जैसे eyes है, अगर किसी की eyes small है तो हम उसको जरूरत से ज़्यादा small बना देते हैं, और अगर किसी की आईज बड़ी है तो हम उसको और भी ज्यादा बड़ी बना देते हैं। इस मेथड को जनरली वी कॉल इट एग्जैजरेट मेथड। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये आउटलाइन मैं बना रही हूं, फॉर द लोअर बॉडी पार्ट यू कैन सी कि ये इस तरह का एक शेप बना रहा है। तो आप भी यहाँ पे इस तरह का एक शेप सिंपली रफली फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर देंगे लाइट से, उसके बाद हम इसके डिटेल्स को आराम से बनाएंगे। All of you know that art बहुत ही ईजी और जल्दी जल्दी का काम नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आप फ्री हैंडली जल्दी ड्राॅइंग बना पाएंगे। अदरवाइज उससे पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कई ड्राॅइंग्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे, तब भी हमें पेशेंस नहीं हारना है, हमें कंटिन्यू कर First of all, we will complete the drawing with HB, simple and normal pencil. क्योंकि ये normal pencil से बनाई हुई चीज़ को easily
इरेज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो डार्क शेड वाली पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, आप अगर आप 8B यूज़ करते हैं, 6B यूज़ करते हैं, तब तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, बट अगर हम ये डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो दैट पहले आप इसको नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें फाइनल इसका डिटेल्स और शेडिंग हम इसमें करेंगे। Now almost I have completed my drawing, so I am going to use my dark pencil and for this shade what to do according to this drawing. Actually अलग अलग drawing के अलग अलग rules होते हैं। इस drawing में जैसे हम देख सकते हैं bold outline best सबसे पहले है, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि bold outline से अपनी drawing को हाईलाइट कर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए बोल्ड आउटलाइन से। ये मैंने आराम से फ्लो में, अगर मैं डायरेक्ट इस पेंसिल से करती तो मुझे इतना फ्लो में बोल्ड आउटलाइन नहीं बनाना आता, बट क्योंकि मैंने रफली ड्रॉ कर लिया हल्के पेंसिल से, अब मैं बोल्ड लाइन से इसको फ्री हैंड से फ्लो के साथ में कर सकती हूँ। आपकी ड्राइंग में जितना फ्लो होगा लाइनों में, उतना अच्छा इफेक्ट के साथ आप पेंसिल शेडिंग वाली ड्राइंग को बना सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ पे डार्क करते हैं। बेटे आईज़ को कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हाउ वी विल कंप्लीट द शेडिंग ऑफ आईज। अगर एक सिंपल मेथड में आपको बताऊँ कि सेंटर में आप थोड़ा सा लाइट छोड़ दो और बाकियों में डार्क यूज कर दो, तो ये आपको सर्कुलर शेप देता हुआ, शाइन करता हुआ एक आइस लग बन जाता है। दूसरी बात है कि जब हम इसको शेड करते हैं तो ऑलवेज वन साइडेड स्लैंटिंग फ्लोज को यूज करो। अगर आप ऐसे ब्रश चलाएं, ऐसे 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 चलाएंगे, फिर ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, फिर अगेन ऐसे चलेंगे, तो ये क्रॉस क्रॉस से आपका रफ लगेगा और टेक्सचर बड़ा अजीब लगेगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया ताकि आप अच्छे से गलती करके सीख पाओ, अदरवाइज फॉर द स्मूथ इफेक्ट। ये तो डार्क एरिया था, जैसे कि हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल ही डार्क एरिया है, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो इसको डार्क एरिया को भरने के लिए हमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम इसको फास्ट हैंड से भी हम इसको डार्क एरिया को भर सकते हैं। वन मोर थिंग, आईज को जल्दी से बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज शेडिंग वाली पेंसिल, शेडिंग वाली ड्राइंग को कलर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको ऊपर से बनाते जाओ और उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आओ। इन दैट वे आपकी ड्राइंग जो है गंदी नहीं होती है। अदरवाइज होता क्या है, बच्चे यहाँ पहले शेड करते हैं, यहाँ से आप लेके ऊपर करते हो, पूरा ही वो गंदा हो। मेरी ड्राइंग गंदी ना हो उसके लिए ऑलवेज आई यूज टू अ पेपर एंड आई पुट माई हैंड लाइक दैट और इस तरह से मैं इसको शेड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये वाली जो एरिया है ड्राइंग के, जो ये वाली आप शेडिंग देख रहे हैं ये वाली, इसको मैंने बहुत ही फास्ट हैंड से इस तरह से कंप्लीट किया है। इस चीज़ को यहाँ रखते हुए आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नीचे आप कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है फ्री हैंड से, वन साइड देख सकते हैं आप, जैसे कि वन साइड स्लैंट होकर के ये गया है। तो इसमें जनरली हमने, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ये पूरे पार्ट है इसको हमने डार्क कर दिया है, ऐसे ये वाला पूरे पार्ट आप डार्क कर दोगे और यहाँ पे भी कहीं कहीं, जैसे ये वाला पोर्शन है आपको लाइट छोड़ना है, जैसे देखो यहाँ पे है कि ये वाला पोर्शन लाइट छोड़ना है, इसके साइड में, इसके साइड में, बहुत ही ईजी तरीका है, आपको वन साइड स्लैंट करते हुए आप इसको डार्क करेंगे, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल वाइट छोड़ देंगे जैसे ये यहाँ, और इस तरह से हम इसको ऐसे भरते जाएंगे। नाउ यू कैन सी ये जो नोज है इसमें भी वही हम यूज करेंगे, जो सेंटर में आप वाइट छोड़ दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद बाकी पार्ट को आप बिल्कुल डार्क कर दीजिए। और ठीक इसी तरह से इसके इनसाइड माउथ में भी वही कर रहे हैं। इस एरिया में जैसे है बहुत ज्यादा डार्क लाइंस है, इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क है, इस यहाँ पे हम बिल्कुल प्रेशर के साथ कई बार पेंसिल चला देंगे, इस तरह से जो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।